कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। सरकार ने ताकीद किया है कि उत्तर प्रदेश के जो अस्पताल हैं उसमें कोरोना वार्ड बनाए जाएं और कोरोना से मिलते जुलते जो लक्षण वाले पेशेंट्स हैं उनकी जांच किया जाए और उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। कोरोना से बचने के लिए जो सबसे कारगर तरीका अब तक सामने आया है वो है वैक्सीन, और वैक्सीन का हालात क्या है, वैक्सीन की उपलब्धता क्या है, ये जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ के सबसे VVIP अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं। और ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास से महज आधा किलोमीटर दूर पर यह हॉस्पिटल है, वहाँ वैक्सीनेशन के हालात क्या हैं वो आप देख सकते हैं। इन खाली कुर्सियों को देख करके समझा जा सकता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। क्या वैक्सीन लगवाने लोग नहीं आ रहे हैं या फिर कोई कारण दूसरा है, ये पड़ताल हम करेंगे। अस्पताल का जो स्टाफ बैठा हुआ वैक्सीनेशन के लिए उससे जानेंगे और समझेंगे। ये मैं देख रहा हूँ सारी चेयर्स खाली हैं, क्या लोग वैक्सीनेशन के लिए आ नहीं रहे हैं? यहाँ पर काफ़ी कम आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं तो उनको लग नहीं पा रही क्योंकि हम लोग को अवेलेबल नहीं कराई जा रही वैक्सीन्स। मतलब वैक्सीन का डोज है ही नहीं आपके पास में? नहीं सर, हम लोग डेली ड्यूटी करने आ रहे हैं लेकिन हम लोग को सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ से आ ही नहीं रही है, तो हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं लोगों को। ये पिछले 7/2/23 मतलब 7 फरवरी से। आज 10 अप्रैल है और 7 फरवरी से यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, तो हालात देखे जा सकते हैं। ये राजधानी का सबसे VVIP अस्पताल माना जाता है, सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एंट्री है 7 फरवरी 2023 को हुई है। 7 फरवरी 2023 के बाद से एक भी डोज वैक्सीन का इस हॉस्पिटल में नहीं है जो VVIP अस्पताल है। अस्पताल में जो नर्स बैठी हैं, मैं देख रहा हूँ ये जो आप रखे हुए हैं टेबलेट्स वगैरह, ये किस काम की है? वैक्सीन लगाने के इसमें तो टेबलेट रखी है, ये देते हैं जब वैक्सीन लगाते हैं जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। अच्छा, वैक्सीन लगने के बाद में अगर किसी को लगता है उलझन हो रही, परेशानी हो रही, तो उसके लिए ही है, लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं सर। फिर भी हम लोग पूरी तैयारी करके रखे हैं कि जैसे ही आए, जिस दिन हम लोग को अवेलेबल हो, हम लोग डेली आके ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। जिस दिन हमें दिया जाए वैक्सीन उस दिन हम लोग स्टार्ट कर देंगे लगाना। कई पेशेंट्स को हम लोग यही कह के कि आप यहाँ अवेलेबल नहीं है, भेजना पड़ रहा है वापस। 2 महीने का वक्त बीत चुका है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, चूँकि 7 फरवरी की डेट उस रजिस्टर में आखिरी एंट्री की है और आज 10 अप्रैल है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनको वैक्सीन का डोज ही नहीं मिल रहा है। और ये बात हमेशा से कही जाती रही है, जब कोविड का सबसे पहला वेरियंट आया था, कि वैक्सीन एकमात्र तरीका है जो कोरोना से बचने के लिए सबसे कारगर है। ये अस्पताल का वेटिंग रूम है, वैक्सीन लगने के बाद में यहाँ लोगों को बिठाया जाता है। जब लोग हैं ही नहीं, लोग एक तो आ नहीं रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको यहाँ से निराश होकर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन नहीं। तो ऐसे में देख सकते हैं आप, जो पूरा ये हॉल है यहाँ जहाँ लोगों को बैठे होना चाहिए वैक्सीन लगवाने के बाद में, वो पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। मात्र सैनिटाइज़र की एक बोतल यहाँ रखी हुई है, तो स्थिति समझ सकते हैं। और कोरोना से बचने की तैयारियों की जो वस्तु स्थिति है, असलियत है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल हैं उनमें तैयारियां की जा रही हैं। सिविल अस्पताल की ये तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि यहां तमाम जो मरीज भर्ती हैं इनको रखा गया है और ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, इनमें मरीजों को रखा जाता है। अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। यहां देख सकते हैं आप, अस्पताल का जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। मैडम, ये जो वार्ड बनाया गया है ये कितने लोगों के लिए है और क्या पर्पस है इसको बनाने का? ये 15 लोग 20 बेड हैं। जी जी, मैं किसको रखते हैं, पेशेंट्स को रखते हैं कोविड के पेशेंट तो है नहीं, आइसोलेशन जो पेशेंट एडमिट होता है, आइसोलेशन वार्ड है ये। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो उसको शिफ्ट करेंगे उस वार्ड में। अब जैसे यहाँ पे सारे पेशेंट हैं, सर्जरी के भी हैं और मेडिसिन के भी हैं, तो अब मेडिसिन वाला पॉजिटिव आएगा तो वो भी रहे मेडिसिन, यहाँ अलग जो वार्ड बना है यहाँ शिफ्ट करेंगे उसको। अच्छा। अगर जो नेगेटिव आते हैं उनको फिर उनके वार्ड में, मेडिसिन वालों को मेडिसिन में भेजेंगे, सर्जरी वालों को सर्जरी में भेजेंगे। अच्छा। जी, कोई पेशेंट है अभी कोविड पॉजिटिव जिसका ट्रीटमेंट चल रहा हो अस्पताल में पूरे? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है कोई पॉजिटिव, नहीं अभी नहीं। इंतजाम सब, दवाइयाँ वगैरह आपके पास हैं कोरोना से मतलब निपटने? जी जी।
कोविड से निपटने के इंतज़ाम पूरे हैं, बेड बनाए गए हैं, ये 20 बेड का जो आइसोलेशन वार्ड है उसको बनाया गया है, और इसके साथ में लगा हुआ एक वार्ड में उसकी तस्वीर और आपको दिखाऊंगा। इस वार्ड को इसलिए बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना का पॉजिटिव मरीज होता है तो उसको फिर उस वार्ड में शिफ्ट करके और पूरा डेडिकेटेड कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बाईं ओर जो वार्ड बना हुआ है, इस वार्ड से लगा हुआ, इसको कोरोना के मरीजों के लिए बनाया गया है। अभी चूँकि एक भी मरीज यहाँ पर कोविड पेशेंट नहीं है, किसी का भी कोरोना का उपचार नहीं चल रहा, ऐसे में ये वार्ड खाली है, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है कि जो भी मरीज जिसको कोरोना का पॉजिटिव होता है उसको यहाँ पर ला के रखा जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इंतज़ाम पूरे हैं कोविड से निपटने के लिए, ऐसा दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और अस्पतालों में कुछ तस्वीर भी ऐसी नज़र आ रही है।